या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल। अब तो माइक चार हारम थे, दो उतार दिए गए, अब क्या होगा? अरे भाई, अल्लाह उसके रसूल को याद करना जाके मस्जिद में, वरना मीनार भी उतार दिया जाए। मेहनत करना मेरे, ये अल्लाह के होते हुए इतना नर्वस क्यों है बंदे? इतना नर्वस क्यों है अल्लाह के होते हुए? अल्लाह है तो है, हम क्या हुकूमतों के दम पे पैदा हुए? हुकूमतें हमें खिलाएंगे तो हमारा दीन आगे बढ़ेगा? ना 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 ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस दीन का पानी आमीना का लार पानी इस्लाम, जब तक जमीन का निजाम बाकी है दीन बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। उनके पास गालियां देने के लिए ये टूर्नामेंट करवा देंगे, लड़ाई के लिए कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। मालूम है आपको, ये बातें रिकॉर्ड हो रही, मुस्लिम लड़कियां बहू बनकर के एक शहर में गई, एक लड़की उसको पकड़ा गया पीर बार से शराब पी, खुदा की कसम, किससे बताएं ना बताएं, किससे बताएं, पेड़ पौधों से बताएं, अगर आपसे ना बताएं तो हमारे इस किस्से गम को कौन सुनेगा? हुकूमतें चाहती हैं कि तुम्हारे बच्चे आवारा हो जाए, और नबी चाहते हैं कि वो हमारे आशिक हो जाए। जन्नत किस कौन देगा? वजीर आजम देंगे, सीएम साहब देंगे, इनकी खुद नाले पड़ी होगी। हाँ हाँ, लादरी के अलावा इनकी जबान से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जन्नत दिलाने वाला मेरा नबी है, जमीन पर इस्लामी आईन के साथ चलने की तौफीक दिलाने वाला मेरा नबी। तो बातें नबी की क्यों नहीं मानी जाती? क्या दिक्कत है आपको? हुजूर की बात मानने में क्या दिक्कत है? क्या तकलीफ है? मैं गुजारिश करूंगा, अजानें होती रहती हैं, लोग चायखानों पर बैठ के गपशप करते हैं, अल्लाह अकबर, कितनी मशक्कतों के बाद दीन यहां तक पहुंचा है उसको कितनी आसानियों के साथ हम बर्बाद करने पर तुले हुए। अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे, आमीन बोले। जो टहलने बाद में गुजारिश करूंगा बैठ जाए, सबके लिए अल्लाह ने जगह का इंतखाब फरमाया है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ और अपने बाप की मफरत के लिए हमने सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए, बैठे रहिए कहीं जाइएगा मत। अल्लाह दिलों को इश्क अता फरमाया, इश्क रसूल अता फरमाया, मजाक बन गया, फिरका वारियत ने मजाक बना दिया। हाँ, इश्क रसूल किसे कहते हैं? भूल गए चंद सजदों के पीछे उसको, भूल गए इश्क रसूल किसे कहते हैं? ऐसे ही कोई बच्चों को खेल है, ये उमर शरीफ और कपिल शर्मा के ये लतीफे की महफिलों से निकाला गया। माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने मुबारका से नमाज का हुक्म दिया था, उसी जमाने मुबारका से आपने मौला अली से फरमाया था, अली सुनो अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाना, जबकि वहां कोई खतरा नहीं, वो सर ता पा वो नमाज़े रसूल आशिक़े रसूल। ये तालीम हुजूर को हमें देनी नहीं समझ, हुजूर ने अपनी बेटी के बेटों से इशारा उधर किया था, मेरी मोहब्बत अपने दिल में रखना। है कोई ऐसा बाप जो अपने बच्चों से बोले बेटा हुजूर से मोहब्बत करते हो कि नहीं? ना, बस इतना बोलेगी माँ, बाप बोलेंगी माँ, बोलेगा बाप, बेटा टाई खराब ना होने पाए, बस्ते का चैन खराब ना होने पाए, शूज खराब ना होने पाए, मोजे गंदे ना होने पाए, ठीक है, स्कूल में भेजेगी तो यही कहेगी, पैट फटी हुई कुछ भी नहीं बोलेगी। क्या हुआ? अरे वो स्कूल में क्लास में खेल रहा था, कोई बात नहीं, वो दो चार नहीं आ जाएगी। कभी आपने अपने बच्चों से कहा नहीं, बट तू मुझसे क्या मंगवाता है 200 रुपए खिलौने? आप उसे बोले बेटा तुझे मैं 500 रुपए खिलौने लाऊंगा, लेकिन तुझे कम से कम 25 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ना होगा। ये कौन कहेगा? आईपीएस डीआईजी कहेंगे, आईजी कहेंगे, कौन कहेगा? यही तुर्की और शाम वाले भी सोच रहे थे, नमाजें बोले पढ़ेंगे अगले जुमा से, बोले शराब से तोबा कर लो, बोले वो अगले साल से तोबा कर लेंगे, अभी तो मेरी उम्र मस्ती करने की है, अय्याशी करने की है, अभी तो रक्स व सुरूद की महफिलें आबाद करने की है, अभी तो बियर बार आबाद करने की। यही तुर्की और शाम के लोग सोच रहे थे 20 दिन पहले, समझ रहे हैं आप? 40 सेकंड के जलजले के झटके ने तकरीबन 4 लाख लोगों की जान ले ली। अभी इस नस्ल को होश नहीं आया, ये समझती कि पबजी गेम और मोबाइल खेलने से जन्नत मिल जाएगी। हाँ, इसको इतने पता ही नहीं कि बड़े बड़े जवानों की मौत की खबरें तस्वीरों में सूरत में अखबार में आती हैं, और जिनकी गोद में बच्ची नहीं है वो माएं उन तस्वीरों को देख के टूट जाती है, कहती मेरे मौला वो कैसी मजबूत कोख होगी जिसने इसे पाला वाला, और कैसी वो आंख है अब जिसकी जिसने इस मौत की तस्वीर को देखने की तैयारी में लगी होगी। मैं गुजारिश करूंगा अपनी जात और अपनी नस्लों पर रहम खाए, मुबारक आपको इस्लाम मिला, नमाजें पढ़ रहा, मिस कॉल पर भी तवज्जो दी जा रही है,
इसकी तरफ इशारा फरमाया सूफी साहब ने, बोले जैसे दुरूद पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ती। अब एक जुमला देखिए, फरमाते हैं कि मैं क्या पूछा हुजूर, ये मिसरे पढ़ना हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह, हुजूर का इश्क किसे कहते हैं? आप आइए, इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में बस सफर होता है। ये मेहनत करने की राह है, समझे भाई। अकेले किसी गरीब को दिखा के खा के सो गए तो क्या जन्नत मिल जाएगी? पड़ोसियों के दरवाजों पर अपने घर की रोटियां हड्डियां फेंकने से क्या उसके बच्चों को तकलीफ होगी तो आपके बच्चों को राहत मिल जाएगी? ना ना, इश्क रसूल किसे कहते हैं पहले पढ़ो मेरे भाई किताबों में, हुजूर की सीरत पर, हुजूर का कैरेक्टर पर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां तक। है कोई ऐसा जिसने इस्लाम के नाम पर एक पत्थर खाया है? तो कोई नहीं। खाली व्हाट्सएप पे अखबार पे न्यूज देख करके भी होश पड़ा हुआ, न्यूज देख करके इसका खुदा का भरोसा कमजोर हो गया। अब क्या होगा? अब तो माइक चार हारन थे, दो उतार लिए गए, अब क्या होगा? अरे भाई, अल्लाह उसके रसूल को याद करना जाके मस्जिद में, वरना मीनार भी उतार लिए जाए। मेहनत करना मेरे भाई, ये अल्लाह के होते हुए इतना नर्वस क्यों है बंदे? इतना नर्वस क्यों अल्लाह के होते हुए? अल्लाह है तो है, हम क्या हुकूमतों के दम पे पैदा हुए? हुकूमतें हमें खिलाएंगे तो हमारा दीन आगे बढ़ेगा? ना 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 ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस दीन का बानी आमिना कलाल बानी इस्लाम, जब तक जमीन का निजाम बाकी है दीन बाकी रहेगा इंशाअल्लाह।